हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आई एम अभिषेक। सो स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। सो गाइस, आज हम आ चुके हैं हाईवे पे। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये मेरी पूरी टीम आ चुकी है। निट्टू है, ये उज्जवल, और ये इसे जानते हुए हर्षू, ये तो हरे ब्लॉग मेरे साथ में आता है। सो गाइस, आज हम आपको देंगे हाईवे की अपडेट। तो हाईवे की अपडेट में क्या क्या होता है, तो हम आगे जा रहे हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। सो गाइस, आज शाम का टाइम है। सो गाइस, टाइम हो रहा है 6:30। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पे सर्विस रोड पे यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो मैं आपको चारों तरफ से यहाँ से दिखा दूँ, तो ये कुछ खेत हैं यहाँ पे, और इस साइड दिखा दूँ तो अभी भी कंस्ट्रक्शन काम यहाँ पे चल रहा है। तो गाइस, वो मेरे पीछे ट्रक भी आ रहा है। हम जाते हैं यहाँ से आगे, अगर कोई भी काम हो रहा होगा हाईवे पे तो हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो गाइस, हम जा रहे हैं आगे, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो हम आपको पूरी देंगे। तो गाइस, आज हमें साइकिल मिली है, तो हम इसी से जाने वाले हैं, ठीक है। तो पहले मैं चलाऊंगा इसे, ठीक है। अगर चल गई तो हम आगे भी जाएंगे, ठीक है। तो गाइस, ये कुछ वर्कर हैं जो हाईवे पे काम करते हैं। तो अभी इवनिंग टाइम है, तो इनकी शिफ्ट अभी आउट हो चुकी है। तो गाइस, ये अभी जा रहे हैं प्लांट पे। तो गाइस, अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पे पूरा सर्विस रोड पहले पड़ा हुआ था, तो ये कल यहाँ पे खोदा हुआ है। तो गाइस, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, पूरा इन्होंने खोद दिया। ये क्यों खोदा गया, तो गाइस मैं आपको बता दूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप कि जो वाटर अंडर पास है, ये सर्विस रोड यहाँ पे गलत पड़ गई थी, तो ये पूरा यहाँ पे सर्विस, ये वाटर अंडर पास है, पूरा यहाँ से पास किया जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे खेतों में ये पानी जाएगा, तो आपको दिखा दूँ, यहाँ से पूरा मशीन ने खोद दिया है। सो गाइस, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे अंदर। तो भाई साहब, इतनी हाइट थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ से, देखो गाइस इतनी हाइट थी, तो मैं इतनी हाइट से यहाँ पे छलांग लगाई है। तो अभी खड़ा हूँ यहाँ पे वाटर अंडर, जो सर्विस रोड है उसमें जो वाटर अंडर पास खुदा हुआ है, तो उसी के अंदर मैं खड़ा हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गांव के बच्चे हैं, तो ये भी यहाँ पे घूमने आए हैं, और ये पूरा मज़ा ले रहे हैं यहाँ पे, साइकिल पूरी ड्राइव कर रहे हैं। और ये देखियो, ये चार लोग और हैं यहाँ पे। तो गाइस, हम जाते हैं से, तो बनना तो वहीं पर हम जा रहे हैं, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो हम आपको पूरी देंगे। तो गाइस, यहाँ पे खोदा गया है, तो पूरे यहाँ पे जो भी GSP पड़ी हुई थी, जो भी खोद के निकाला गया है यहाँ से। क्या बोला तूने? तो चला रहा हूँ यहाँ पे, तो आज हाईवे पे तो मेरी साइकिल चलने वाली है। तो हम लोग आ चुके हैं साइकिल पे, तो तुमने एक ब्लॉग चैनल देखा होगा MS गरीब वाला, तो वही कंडीशन हमारी चल रही है। तो गाइस, आगे जो अंडर पास है, तो वहीं पे उसी पे हम जा रहे हैं। तो गाइस, आज 2 साल बाद मैं साइकिल चला रहा हूँ। भाई साहब, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे आ रहा है, और बहुत मज़ा आ रहा है। तो गाइस, ये हमारे छोटे भाई थे, जो हमारे कज़न ब्रो हैं, तो इनने भी कही थी, भैया आप साइकिल चलाओ तो साइकिल ब्लॉग बनाएंगे। तो मैंने आज ट्राई किया, तो आज हाईवे की जो सर्विस रोड है यहाँ पे, तो पूरी खाली है, ना कोई यहाँ पे ट्रक जा रहा है, क्योंकि इवनिंग का टाइम है, तो अभी सब लोग गए हैं छुट्टी पे, तो ये रोड खाली थी, हमने सोचा भाई ड्राइव ही करें साइकिल। तो गाइस, बहुत ही मज़ा आ रहा, तो आप भी लोग चला के देखिए। और गाइस, आप लोग की इतनी सी कमी रहती है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। yes, तो गाइस, कभी देख लिया करो वीडियो यार, अरे 2 मिनट सही, 3 मिनट तो देख लिया करो यार, पूरा स्किप कर देते यार, मज़ा नहीं आता। तो गाइस, आपको क्या करना है, हमारे ब्लॉग को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सो गाइस, ऐसे ही मज़ेदार ब्लॉग हम लाते रहेंगे। तो गाइस, आपको दिखाते हैं, हम लोग आगे जा रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं पूरा व्यू यहाँ से। तो गाइस, बहुत मज़ा आ रहा है। तो गाइस, आपको सामने फ्रंट का व्यू दिखाता हूँ, तो देख रहे हो साइकिल का टायर, तो साइकिल की हालत पूरी ख़राब है। तो गाइस, अभी जा रहे हैं वो दूसरे वाले अंडर पास में, तो यहाँ से भी पूरे ये हाईवे के मेन लेन पे यहाँ पे मिट्टी पड़ रही है। तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे पूरा इन रोड पे, ये आप सामने देख सकते हैं, ये कट्टे लगे हुए, तो यहाँ से जो रास्ता है
वो बंद कर रखा है यहाँ सर्विस रोड का, वो इसलिए सर्विस रोड का यहाँ रास्ता बंद कर रखा है ताकि कोई बड़ा व्हीकल है वो आ नहीं सके यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बीच में जो वाटर अंडरपास है तो उसमें भी जो सर्विस रोड है उसकी खुदाई कर दी गई है। सो गाइस, इसी वजह से यहाँ पे पूरा बैरियर लगा दिया गया है। तो गाइस, हम आ चुके हैं इस वाले अंडर पास पे। तो गाइस, यहाँ तक सर्विस रोड पड़ी हुई थी तो मैं आपको नीचे दिखा दूँ। तो ये हम ये पत्थर पे चल रहे हैं, इसे जीएस भी बोलते हैं। तो गाइस, अभी यहाँ पे आगे जो सर्विस रोड का काम है वो चलेगा। तो गाइस, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, ये एक और अंडर पास यहाँ पे बनना है। तो यहाँ पे पूरी रहने की व्यवस्था है, पूरी रात में जो वर्कर्स लोग हैं यहाँ पे रुकते, तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे ट्रक जाते हुए। तो गाइस, यहाँ शाम का समय है तो ये ट्रक सब जाके वहीं पे प्लांट पे खड़े होंगे। तो गाइस, मेरे सामने आप देख सकते हैं एक और यहाँ पे ट्रक आता हुआ। गाइस, एक और ट्रक यहाँ पे आते हुए। तो गाइस, ये लाइन लाइन से ट्रक यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। तो एक बार हम अपनी हायबुसा दिखा दें। तो गाइस, हायबुसा हमारी कुछ ऐसी है। देखिए, धराएं से काट रही है ओम को, ले भाई ये ओम को। गाइस, ये एक यहाँ पे वो अंडरपास बन चुका है, तो इसकी साइडों की दीवारें हैं वो भी आधी आधी उड़ चुकी हैं। तो गाइस, पहले मैंने आपको वीडियो में बताया होगा, तो अभी तो यहाँ मेरे लेफ्ट साइड में ये पूरा बन चुका है। अब मेरे राइट साइड में आप देखोगे तो एक और यहाँ पे जो अंडरपास है उसकी दीवारें उठ रही हैं। सो गाइस, पूरे यहाँ पे सरियाँ उठ गई हैं। सो गाइस, मैं आप यहाँ से दिखा दूँ, ये भी पूरा यहाँ पे फ्लोर ने डाल दिया है। सो गाइस, यहाँ पे टच करके देखना है ये सूख गया नहीं सूखा है। तो गाइस, ये पूरा सूख चुका है। तो गाइस, कितनी चिकनी सरफेस हो रही है इसकी। तो गाइस, इसका काम अभी रोक दिया गया है, जब तक ये इसके दीवारें इसके बराबर नहीं हो जाए तब तक ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। अभी इसकी दीवारें इतनी उठी हुई हैं, 5 फुट उठी हैं, तो इसकी 5 फुट उठेंगी और सूखेंगी ये दीवारें, उसके बाद में दोनों पे ही वर्क किया जाएगा। तो ये पूरा प्रॉपर यहाँ पे फ्रेम लगा दिए गए हैं, पर यहाँ पे फ्रेम लगा दिए गए हैं कि आप देख सकते हैं, फ्रेम लगा के और कंक्रीट का माल इस पर डाला जाता है। तो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ, आप आइए। तो ये जो पड़ी हुई है ये सपोर्टिव होते हैं, ठीक है, तो इसी से पूरे यहाँ पे इसको सपोर्ट किया जाता है। तो गाइस, इधर तो आपको एक और चीज़ यहाँ पे दिखा दूँ, तो आप ये बोरी देख सकते हैं, ये बोरी क्यों लगी है, तो ये बोरी इसलिए लगी है ताकि इसमें प्रॉपर तरी बनी रहे और दीवारें अच्छी तरह से पक जाएं। तो इसलिए एक बोरी भिगा के टांग दिया है ताकि इसका पानी एवेपोरेट ना हो और अच्छी तरी मिल सके, दीवारें अच्छी तरह से पक सकें। तो गाइस, अभी यहाँ पे पूरा जाल ये पूरा बन चुका है, तो अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको एक और आगे। तो ये मेरे आप सामने, हाँ, ये आप देख रहे हैं, ये रॉ मटेरियल है जो इस पे जो फ्रेमिंग करी जाती है उसको ये सपोर्ट देता है, तो जो जो यूज़ में था वो उनने यूज़ कर लिया है। तो गाइस, अभी ये दीवारें पक चुकी हैं तो ये निकाला जा चुका है। तो गाइस, ये कुछ सपोर्टें यहाँ पे लगी हुई हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं शाम का टाइम है तो मैं यहाँ पे इवनिंग टाइम में आपको जानकारी दे रहा हूँ। गाइस, यहाँ भी इस वाली दीवार का जो फ्रेम है वो पूरा हटा दिया गया है, बोरे हैं ये यहाँ पे लगा दिए हैं। तो गाइस, अभी चल रहे हैं इसके पीछे की ओर। तो गाइस, मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो गाइस अंधेरा पूरा हो चुका है यहाँ पे, तो ये पूरा आप देख सकते हैं। तो ये जो आपको ये एंगल नज़र आ रहे हैं तो ये किसके लिए होते हैं, तो गाइस मैं बताता हूँ ये एंगल किसके लिए होते हैं। तो ये एंगल होते हैं इसके ऊपर यहाँ पे बैठ के इसके ऊपर और भी जो फ्रेम है वो इसके ऊपर लगाए जाएँ, इसके लिए यहाँ पे ये लगे हुए हैं। सो गाइस, पूरे में यहाँ से यहाँ तक पूरे में लगे हुए हैं। तो गाइस, इसी के ऊपर से
ये पूरा हाईवे का मेन लेन पे बनने आए थे अंडरपास, तो इसी के ऊपर से यहाँ से कम ये हाइट होगी 20 फुट से ज़्यादा होगी। ये सरिया ये ऊंचाई देख रहे हैं 20 फुट से ज़्यादा होगी, तो इसी के ऊपर से पूरा हाईवे निकलेगा। तो गाइस ये कुछ यहाँ पे ये सपोर्ट के लिए यहाँ पे ये लोहे की आई हुई हैं, यही साइडों से लग के सी में माल भरा जाता है, तो ये रॉ मटेरियल है यहाँ पे। तो गाइस हमारे इन्हें एक सरिया मिल चुकी है, तो ये वहीं पे रख दो सरिया, चलते हैं। तो गाइस मैं आपको दिखा दूं यहाँ से अंडरपास के दूसरी साइड, आप देख सकते हैं पूरा ग्रेडर ने यहाँ पे पूरा प्लेन कर दिया है। तो गाइस बहुत दूर तक, तो किसी दिन मैं यहाँ पे आगे मैं जाऊँगा, ठीक है, तो मैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में वहीं पे जाऊँगा, तो आपको रोड दिखाऊँगा कितना यहाँ पे बन गया है। तो गाइस हमारे यहाँ तो बेनावर की साइड तो खाली सर्विस रोड ही बनी है, और बेनावर से हम 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो गाइस वहाँ पे सर्विस रोड तो बनी ही है, उसके साथ साथ जो हाईवे का मेन लेन है तो वो भी बन चुका है। तो गाइस अब शाम भी पूरी हो चुकी है, तो गाइस हमारी बूसा खड़ी है यहाँ पे, तो इसी को हम लॉन्च करेंगे और इसी से जाएंगे। चलो जल बूसा निकालो अपनी देख रहे भाई साहब, अब निंजा H2R की कमी है, बूसा तो हमारे पास आ गई पहली। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। तो आप देख सकते हैं, देख रहे हो भाई पूरा पिकअप फुल। तो गाइस यहाँ पे रात में वर्क करने के लिए, यहाँ पे लाइट की व्यवस्था करने के लिए पूरा जनरेटर लगा हुआ है। तो गाइस यहाँ पे पानी की व्यवस्था करने के लिए यहाँ पे एक तो टंकी आती है हाईवे वाले प्रोवाइड कराते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे 2 पानी के ब्लू कलर के यहाँ पे टैंक दे रखे हैं, और एक यहाँ पे ये कितने लीटर का है, तो गाइस ये 1000 लीटर है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 लीटर, तो ये 1000 लीटर का ये टैंक है, अगर टंकी आने में लेट हो जाए तो गाइस इस टैंक से ही इसका काम चलता है, इसमें तरी लगती है। तो गाइस मैं टैंक के अंदर दिखा दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो गाइस ये दोनों टैंक हैं, ये भी खाली हैं, ये ड्रम नहीं नहीं इसमें पानी है। तो गाइस इसमें एक टोपी पड़ी हुई है, तो ये देख सकते हैं ये टोपी यहाँ पे, तो किसी वर्कर की यहाँ पे टोपी है, ये पूरी तरह से बेकार हो चुकी है, तो यहाँ पे रखी हुई है ये। तो गाइस इसके अंदर पानी, हाँ अच्छा ये पानी निकालने का इस्तेमाल करी आ रही उज्जल, ये पानी निकालने का इस्तेमाल करी आ रही है टोपी। तो देख सकते हैं गाइस ये बहुत ही हार्ड मेटल की बनी होती है, देख रहे हो गाइस कतई जरा सी भी नहीं दब रही है। वाह क्या सीन है, उंगलियाँ चटक रही हैं पर दब नहीं रही है। तो गाइस ये है, इसके अंदर ही डाल दे रहे, तो यहाँ पे अभी कोई है नहीं, तो इसी के अंदर डाल दे रहे यहाँ पे। चलो भाई साहब यहाँ पे 2 सांडों की लड़ाई हो रही है, तो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ। तो गाइस देख सकते हो शाम का टाइम है, तो 2 सांड यहाँ पे लड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्यार हो जाएगा दोबारा सेटल हो जाएंगे लोग। तो उज्जवल भाई की हायबूसा एकदम तैयार है, तो ये कितने में खरीदी आपने, ये भूसा देख रहे हो गाइस, भाई की भूसा है न्यू कंडीशन, कोई भी लेना चाहता है तो कमेंट करें, कोई भी लेना चाहे भाई आपको दे देगा 1000 रुपये में भूसा, ये इतना सस्ता प्राइस है आपको कहीं नहीं मिलेगा, बताओ 15 लाख की 1000 में दे रहा है, समझे गाइस, आप मेरा कोड यूज़ करना तो आपको 1000 मिल जाएगी भूसा ये वाली, ठीक है गाइस। तो चलते हैं आगे, तो गाइस ये जोक था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है गाइस। तो मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, गजब बेइज्जती है। तो यहाँ पे जो वर्कर लोग हैं उसको रहने के लिए यहाँ पे चैम्बर बने हुए हैं। तो गाइस यहाँ पे ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पे पुलिया पे इस पर अंडरपास पे ऊपर चढ़ने के लिए तो यहाँ पे एक सीढ़ी बना दी गई है, तो इसी पे चढ़ जाते हैं ऊपर। गाइस यहाँ पे भी टीन पूरी पड़ी हुई है, और यहाँ पे पूरा कवर कर दिया गया है, आप देख सकते हैं ये पन्नी वगैरह, ये देखिए। तो गाइस अभी हम जाते हैं घर की ओर, अंधेरा पूरा हो चुका है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइटिंग व्यवस्था नहीं है मेरे पास। तो गाइस इसकी जो
सिस्टम है फ़ोन का तो वो फ्लैश लाइट को अनअवेलेबल बता रहा है। तो गाइस बैटरी रहेगी हमारे फ़ोन में 15%, तो फ्लैश लाइट ही हमारी नहीं जल रही है। तो गाइस मैसेज आ रहा है बार बार लाइट का कि शट डाउन हो जाऊँगा मैं, फ़ोन कह रहा है शट डाउन हो जाऊँगा मैं। तो गाइस पूरा एंड तक हमें तो चूसते रहेंगे उनकी बैटरी को। तो गाइस चलते हैं अभी आगे हम लोग। तो गाइस भूसा हमारी साथ में उसी से जा रहे हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई अपडेट के साथ में, जो कि होगी गंगा एक्सप्रेस से जुड़ी हुई। तो गाइस पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।